आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो चीन में फैल रही बीमारी को लेकर अलर्ट पर राजस्थान, 3 दिन में एक्शन प्लान बनाने के दिए हैं निर्देश। चीन में श्वास रोग के मामलों में वृद्धि देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शोभना सिंह ने प्रदेश की चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ओर से जारी पत्र एवं उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अभी तक स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में संक्रमण रोगों की सर्वेलांस और रोकथाम के लिए चिकित्सा प्रबंधन पूरी तरह से सतर्कता के साथ कार्य करें। वह सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा, उपचार आदि का समुचित इंतजाम करने की बात यहां पर कही गई है। वही शोभना सिंह ने चीन में पाई गई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए तैयारी हेतु कल जो है स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार फिलहाल देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं आया है, फिर भी यहाँ पर एहतियातन चिकित्सा तंत्र को मजबूत रखने की दृष्टि से सजगता जो है बढ़ती जा रही है। बाद में कहते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में मतगणना 3 दिसंबर को, दलों को मिलेगा ऑनलाइन परीक्षण। राजस्थान में जो है 25 तारीख को हुए मतदान के बाद प्रदेश में 36 मतगणना केंद्र जो है बनाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, नागौर में मतगणना के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। इसके लिए जो है कल से यानी बुधवार से यहाँ पर निर्वाचन दलों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना दलों के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी और अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी एवं IT स्टाफ को जो है कल जो है बुधवार को ऑनलाइन परीक्षण दिया गया है। वही गुप्ता ने बताया है कि दोपहर 12 बजे से यहाँ पर 2:30 बजे तक ये यहाँ पर पोस्टल बैलेट और काउंटिंग है। 3 बजे से शाम 5 बजे तक जो है ईवीएम मतगणना को लेकर परीक्षण जो है वो दिया गया है। वह गुप्ता ने बताया है कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि जयपुर, जोधपुर, नागौर में 2-2 केंद्र और शेष 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्रों पर वोटों की गिनती जो है वो की जाएगी। इस तरह 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 36 केंद्रों पर मतगणना जो है वो की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर मौसम को लेकर है। राजस्थान में बारिश से बड़ी है ठंड, आज हो सकती है कुछ इलाकों में बारिश। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले 48 घंटों में राज्य के कुछ भागों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वही सर्वाधिक बारिश जो है सवाई माधोपुर में 29 mm पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कोटा में भी अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है, यानी अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। किसानों के लिए अच्छी बारिश यहाँ पर जरूर दर्ज की गई है। बारिश में यहाँ पर अभी आगामी दिनों में वृद्धि होने के आसार जताए गए हैं, यानी जो बारिश हुई है इसे यहाँ पर एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, इसके कारण फिर से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। वही हनुमानगढ़ और चूरू समेत कई एरिया में जो है अच्छी खासी बारिश जो है कल हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार आज जो है राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के जो है हल्की बारिश के आसार जताए गए। जयपुर, भरतपुर संभाग से कवटी में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, बाकी बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों में कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की बात की है, तापमान में भी गिरावट की बात कही। बता दें कि राजस्थान में अचानक से मौसम में बदलाव के चलते शीतलहर चालू हो गई है। कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी की वजह से मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। वही धूप भी काफी यहाँ पर कम हो रही है। बेमौसम हुई बारिश की वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में ठंड से यहाँ पर लोग जो है कुकड़ रहे हैं, कई लोगों को यहाँ पर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कई लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं, इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है कि लोग जो है सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन चला पा रहे हैं। वही माना जा रहा है कि राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ के चलते जो है उत्तरी हवाओं के जोर पकड़ने में ठंड का इजाफा हुआ है। राजस्थान के तापमान में गिरावट के चलते ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि आगामी 2-3 दिनों में कोई ज्यादा यहाँ पर घना कोहरा कई इलाकों में जो है घना कोहरा छाए रहने और तापमान में 4 से 8 डिग्री गिरावट होने के आसार जताए गए हैं। आगामी दिनों में जो है राजस्थान में तापमान में गिरावट का जो है वो यहाँ पर गिरावट की बात कही गई है।